हमें उड़ना है पानीओं पे चल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल पीपल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वी हैव डन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ आवर सेशन, सो टुडे वी विल रिवाइज इट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, we are going to do the textbook page number 14, 15 part C and workbook page number 8 part E. Okay, first of all we are going to read what is sentence. A combination or a group of words that gives a complete meaning, thought or idea is called a sentence. कोई भी words का group जो है, different words मिलके एक words का group बनाते हैं और वो group जो एक मुकम्मल sense, complete meaning show करता है या complete idea हमें बताता है, एक complete thought हमें बताता है, that is called a sentence। ठीक है, like he eats an apple, if you look at the first example, he eats an apple, वो एक apple खाता है या वो एक सेब खाता है, तो here is a complete sentence, here is a complete sense, तो sense क्या बन रही है कि वो apple खाता है, तो it means this is a sentence। she wrote a letter, वो उसने एक letter लिखा। Ali is a doctor, Ali एक doctor है। the birds are flying in the sky, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। what is your name, ये भी एक sentence है। last पे question mark आ गया, it means ये interrogative sentence है। ये last पे full stop आ गया, it means ये एक declarative sentence है, पूरा मीनिंग एक डिक्लेयर हो गया। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, ये जब हम हैरान होकर बात करते हैं तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट पे पुट करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं। ठीक है, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने एक मूवी देखी। इज़ ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है, तो इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया लास्ट पे, सो दिस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, here are four examples of sentence. First example is declarative, second is interrogative, third is exclamatory and fourth is imperative. Now come towards the detail of these sentences. Four types of sentences, declarative sentences ko statement sentences bhi kaha jata hai. Interrogative sentences are also called question sentences. इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड द कमांड सेंटेंसेस, वी पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इम्पेरेटिव में कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क पुट होता है, अंडरस्टैंड? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के लास्ट पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं, दिस वन। ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, द डिटेल। सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पर्पस, इनका पर्पस क्या है इन सेंटेंसेस का? स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज मेक स्टेटमेंट एंड विद पीरियड्स, लाइक इनके लास्ट पे फुल स्टॉप आता है और इसकी एक मुकम्मल स्टेटमेंट बनती है। वी ऑन अ कैट, आई एम अ गर्ल, दैट इज ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका क्या पर्पज़ है क्वेश्चन सेंटेंसेस का? आस्क क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड विद क्वेश्चन मार्क्स, और इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क्स पुट होते हैं। वेयर इज़ द कैट, वेयर इज़ योर हाउस, ओके, दीज आर क्वेश्चन सेंटेंसेस। नाउ कम टूवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट और द थर्ड टाइप ऑफ अ सेंटेंस, एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी कहा जाता है इन्हें। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज सेंटेंसेस, दीज मेक स्टेटमेंट्स विद इमोशंस, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो इमोशंस को शो करती हैं। ठीक है, और इनके लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क पुट होता है, द कैट इज क्यूट, मतलब कि इसमें हम इमोशंस शो कर रहे हैं, कैट कैसी है, क्यूट, तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
Now come towards the command sentences, imperative sentences. What's the reason of these sentences? What's the purpose of these sentences? Give commands, make requests. इसमें हम कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो इसमें दीज आर कॉल्ड कमांड सेंटेंसेस. इसके लास्ट में क्या आता है? एंड विद पीरियड्स और एक्सक्लेमेशन मार्क. इसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप भी, एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट होता है. वो कुछ कुछ सेंसेस में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी पुट होता है. ओके, नाउ कम टूवर्ड द मोर डिटेल ऑफ दी सेंटेंसेज. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज मीन बयानिया जुमले. इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स और मेक्स अ स्टेटमेंट. ये सेंटेंस की वो टाइप है जो कि डिक्लेयर करती है और एक स्टेटमेंट को बनाती है, मतलब कि मीनिंग को डिक्लेयर कर देती है. इट स्टेट्स अ फैक्ट. इसमें बिल्कुल रियलिटी की बात की गई होती है. सच सेंटेंसेज आर सिंपल स्टेटमेंट्स. ये सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेज भी कहलाते हैं. कम टूवर्ड द एग्जाम्पल्स. अली इज़ अ स्टूडेंट. ही लिव्स इन अ बिग सिटी. एक मुकम्मल इसमें सेंस बताई जा रही है. एक पूरा सेंटेंस जो है उसमें एक कंप्लीट सेंस बताई गई है. ही ईट्स एन एप्पल. वी आर प्लेइंग हॉकी. बात मुकम्मल हो गई. लास्ट पे फुल स्टॉप लग गया और ये एक बन गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बन गए. कम टूवर्ड्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सवालिया जुमले. अंडरस्टैंड? इट इज़ अ स्टेटमेंट. इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं. एग्जांपल, इज़ अली अ स्टूडेंट. इसके हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आते हैं. अगर हम पीछे देखें, यहाँ पे अली इज़ अ स्टूडेंट राइट किया गया था. मींस हेल्पिंग वर्ब जो था वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है. सब्जेक्ट यही है ना, पर्सन जो होता है. तो हेल्पिंग वर्ब ये है. इज़ एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो अली इज़ अ स्टूडेंट, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है. लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा. इज़ अली अ स्टूडेंट. क्या अली एक स्टूडेंट है? लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया. डज ही लिव इन अ बिग सिटी. डज इज़ ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब एंड इट कम्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. सो दिस मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वील पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हाउ आर यू? किसी से क्वेश्चन पूछा है, आप कैसे हैं? व्हाट इज़ द टाइम? वे इज़ योर हाउस? अंडरस्टैंड? दीज आर ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. हुक्मिया या इल्तिजाइया, जिसमें हम कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. इल्तिजा करना मीन रिक्वेस्ट करना. हुक्मिया मीन हुक्म देना या ऑर्डर करना. तो इट इज़ अ सेंटेंस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स अ कमांड, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं और किसी को कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं. तो दीज आर ऑल कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, गो टू योर रूम. क्या ये रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर? गो टू योर रूम. सो दिस इज़ एन ऑर्डर. प्लीज़ लैंड मी योर बुक. मेहरबानी फरमाकर मुझे अपनी किताब दे दें. इट इज़ अ रिक्वेस्ट. जिसके स्टार्टिंग पे हम प्लीज़ लगा दें वो रिक्वेस्ट होती है. अच्छा, इसके अलावा जब हम एडवाइस कर रहे होते हैं, कोई विश कर रहे होते हैं या किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ही पार्ट है. ठीक है, डोंट स्मोक. तो ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं. डोंट स्मोक ये एडवाइस है. ठीक है, हैव अ सेफ ट्रिप. किसी को हम विशिंग दे रहे हैं, गुड विशेज दे रहे हैं कि आपका ट्रिप बहुत अच्छा हो. ओके, लास्ट स्टेटमेंट इज़ इनविजिबल. सो थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. यूज सैनिटाइजर भी इंस्ट्रक्शंस थी. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल है. ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, जज्बाती या इस्तेजाइया जुमले. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, इसमें हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, जिसमें हम अपने इमोशंस स्ट्रॉन्गली शो करते हैं. इट इज़ अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ स्ट्रॉन्गली, जिसमें हम खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लाइक अपने इमोशंस. हम रो के, हम उदास हो के, हम वरीड हो के, या हम एनॉय हो के,
या हम फ्यूरियस हो के या हम एक्सट्रीमली हैप्पी हो के अपने जब इमोशंस शो करते हैं तो दैट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम अपने स्ट्रांगली इमोशंस शो करते हैं, वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें जिन वर्ड्स के यूज़ करने से हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो जाते हैं. लाइक अगर हम हैप्पी होते हैं, हम कहते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच, तो ये हम कस कब शो करते हैं, ये वर्ड्स हुर्रे का वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम खुश होते हैं. जॉय, मम्मी द बिरयानी इज़ डिलीशियस, एक्साइटेड होके हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, व्हाट अ नाइस कार, सरप्राइज हो रहे हैं, व्हाट अ नाइस कार, तो ये बहुत हम हैरान होके कह रहे हैं. सोरो, सोरो मीन जब हम गम में मुब्तला होते हैं, आह आई लॉस्ट द मैच, तो इसमें सोरो वाले वर्ड जुमले जो होते हैं उसमें हम आह का यूज़ करते हैं, एच और लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क. तो थ्री क्लास इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट पुट करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है. ओके, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 और 15 है, ठीक है. तो ये सारी डिटेल अभी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ. ये कुछ सेंटेंसेस हैं, ये आप लोग पहले राइट कर चुके हों, मैं अगेन आप लोग इसको जिसने नहीं किया वो राइट कर लेंगे. आई विल शेयर द पिक्चर टू इन द ग्रुप. आई एम हंग्री, एक मुकम्मल स्टेटमेंट इसमें बताई है, तो इट मीन्स ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. व्हाट डू वी ईट, मैं क्या खाऊं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, INT लिख लिया इस पर. लिसन केयरफुली एंड स्पीक केयरफुली, अच्छा जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मीन लिसन केयरफुली. ओके, वो एडवाइस कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं, लिसन केयरफुली एंड स्पीक केयरफुली, इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, वॉश योर हैंड्स, यहाँ पे भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ गेम, हम यहाँ पे एक्साइटेड हैं, तो इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अंडरस्टैंड. एलिफेंट इज़ अ जायंट एनिमल, एक मुकम्मल स्टेटमेंट हमने बता दी, तो ये डिक्लेरेटिव है. डिड यू नो दिस फिश इज़ ऑलमोस्ट 5 feet लॉन्ग, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है. ही इज़ गोइंग टू लंदन टुमारो, बात कंप्लीट है हमारी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये. हाउ डू यू मेक पॉपकॉर्न, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. वी आर ऑन द रॉन्ग प्लानट, अब मुझे बताएं ये कौन सा सेंटेंस है, इसके लास्ट पे ये वर्ड आ रहा है, ये साइन आ रहा है, सो दिस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अंडरस्टैंड. इनके इनिशियल्स लिख देने, इनिशियल्स मीन फर्स्ट वर्ड्स जो हैं. स्विच ऑफ द लाइट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, स्विच ऑफ द लाइट, तो ये होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस. मामा प्लीज़ लेट मी बाय एन आइसक्रीम, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, अंडरस्टैंड. कम टूवर्ड्स द वर्कबुक, वर्कबुक पेज नंबर 8. हाउ डू यू मेक पॉपकॉर्न, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इंट्रोगेटिव होगा. वी आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये. स्विच ऑफ द लाइट ऑर्डर है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा ये. मामा प्लीज़ लेट मी बाय एन आइसक्रीम, प्लीज़ यूज़ हुआ है, तो इट मीन्स ये इम्पेरेटिव है. माई शूज़ इज़ ऑन फायर, हैरान हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वेन डू यू फर्स्ट नोटिस दैट शू वॉज ऑन फायर, स्टार्टिंग पे WH वाले वर्ड्स आ जाए ना, तो WH वाले वर्ड्स जैसा कि हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, होम, तो दीज आर ऑल कॉल्ड WH वर्ड्स. तो WH वर्ड्स जब स्टार्टिंग पे आ जाएँ वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा जब स्टार्टिंग पे WH वर्ड्स आ जाएँ, ठीक है. तो थ्री क्लास इसके टू रिकॉग्निशन हैं इस सेंटेंस में, एक तो इसके फर्स्ट पे WH वर्ड आ रहा है जैसे कि यहाँ पर है, और यहाँ पर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पर भी, तो इट मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. 7th नंबर पे आ जाए, माय डॉक्टर टोल्ड मी टू टेक दिस विटामिंस, सो दिस इज़ डिक्लेरेटिव. डिड यू सॉल्व द पजल, स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स इट इज़ इंट्रोगेटिव. आयशा गिव मी योर कोट,
ओके यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देयर आर मोर एप्पल्स इन द रेफ्रिजरेटर, दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके ओके थ्री क्लास, आई होप दैट यू ऑल पीपल गॉट माई पॉइंट्स. ओके थ्री क्लास, अल्लाह हाफिज़.